साथ वार 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 डिस्कूल हम तुम्हारे साथ हैं जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्ताफ साहब जो इसको जानने की या देखने की या पूछने की जरूरत ही नहीं है। हमारे जम्मू कश्मीर के मायानाज लीडर सुनील शर्मा जी, इसके साथ में हमारे स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट को और उसमें भी बड़े अहम लोग बुलाए हैं, मखसूस लोग बुलाए हैं, इसलिए यहाँ पे भाषण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपनी तरफ से सर जी सर आपको मुझे लगता है कि कश्मीर से ज्यादा इनको जम्मू प्रोविंस में भी देखते सुनते हैं। बीजेपी की जिम्मेदारी है आगे बढ़ाने की, ऐसे हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे सातों दिन काम करने वाली पार्टी है। हमारा पूरे जम्मू कश्मीर में एक बूथ एम्पावरमेंट का ड्राइव चल रहा है। हमने ये फैसला किया है कि 50 प्लस सीटें लेके हम जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएंगे और इस सरकार में शोपिया सीट की भी शमूलियत हमने रखी है। ये यूटी ही रहने वाला है, स्टेटहुड मिलेगा। हाँ, कुछ लोग स्टेटहुड के नाम पे अपनी रोटी सेकना चाहते हैं वो करें, लेकिन होम मिनिस्टर साहब की जो बात है वो पत्थर की लकीर है। उन्होंने जो कमिटमेंट की है वो कमिटमेंट जरूर की। राहुल गांधी जी एक बहुत बड़े नेता है, मुझे बहुत ही तरस आ रहा है। राहुल गांधी जी को इतना अहंकार, इतना घमंड हुआ है कि वो अब देश के कानून को, देश के जुडिशरी को चैलेंज करते हैं। बड़ी अजीब विडंबना है, एक व्यक्ति, इतनी बड़ी पार्टी का जिम्मेदार व्यक्ति, जो एक पर्टिकुलर कास्ट को लेके तंज कसता है और कोर्ट ने उसे इतनी तक सहूलियत दी कि आप एक बार अफसोस प्रकट करो, कोर्ट की अवमानना करना, कोर्ट को ये बोलना कि नहीं मैं अपोलोजाइज भी नहीं करूंगा, सॉरी भी नहीं कहूंगा। और उसके बाद कोर्ट ने तो अपना फैसला सुनाना था, कोर्ट ने फैसला सुनाया तो ऑटोमेटिकली सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, डायरेक्टिव है कि जो भी लेजिस्लेटर, जो भी पार्लियामेंटेरियन या जनप्रतिनिधि 2 साल की कन्विक्शन में आता है उसे डिसक्वालीफाई माना जाएगा।